सांघातिक दुर्घटना। स्थान ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत पांडवेश्वर क्षेत्र का खोटा डी कॉलेज। दिनांक 6 अक्टूबर 2018। समय प्रातः 4:20। शॉट फायरर के द्वारा R4 सेम के 21 ईस्ट लेवल डेवलपमेंट पैनल के दो फेजों 20 लेवल सोलर राइज एवं सोलर राइज 20 लेवल में ब्लास्टिंग करने के उपरांत निरीक्षण कर सब कुछ ठीक होने की जानकारी ओवरमैन को दी गई। ओवरमैन CM गिरी एवं ड्रेसर कलेश्वर महतो फेज के अंदर खड़े होकर ड्रेसिंग का प्रयास कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा जो कि 2 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर मोटा था, रूफ से गिरा और ओवरमैन एवं ड्रेसर दब गए, जिसके उपरांत दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना का कारण, ड्रेसिंग का कार्य फेज के अंदर की तरफ से बिना सपोर्ट किए रूफ के नीचे खड़े होकर किया जा रहा था। ड्रेसिंग के पहले छत का टेम्पररी सपोर्ट प्रॉप काग आदि के द्वारा नहीं किया गया था, जिससे ड्रेसिंग के SOP की अवहेलना हुई। 16 राइज 20 लेवल जंक्शन एक डाउन थ्रो फॉल्ट से 50 से 60 मीटर की दूरी पर था। इस जंक्शन से पहले छत में क्रैक भी दिखता था। 20 लेवल में R6 सिम 21 लेवल एवं 22 लेवल की तुलना में पतली हो गई थी, अतः इस प्रकार के जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस के नजदीक छत कमजोर हो सकती है, इसका आकलन नहीं किया गया। 16 राइज 20 लेवल एवं 20 लेवल 16 राइज फेज की ब्लास्टिंग एक साथ किया जा रहा था, जिससे जियोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड क्षेत्र में बिना सपोर्ट के रूफ का स्पैन बढ़ता जा रहा था। दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाव एवं सिफारिशें, सभी डिस्ट्रिक्ट का RMR पुनः निकालना चाहिए। कार्यस्थल पर सुरक्षा वार्ता एवं सुरक्षा उपदेश नियमित दिया जाना चाहिए। खदान के जियोलॉजिकल प्लान को अच्छे ढंग से समझना चाहिए तथा जियोलॉजिकली डिस्टर्ब जगहों को प्लान के ऊपर दिखाना चाहिए। जब जियोलॉजिकली डिस्टर्ब क्षेत्र में या उनके आसपास कार्य हो रहा है, तब मैनेजर एवं सुपरवाइजर आदि को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेवल एवं डीप या राइज फेज का एक ही स्थान पर एक साथ ब्लास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जियोलॉजिकली डिस्टर्ब क्षेत्रों में छत में W स्ट्रैप द्वारा अतिरिक्त सपोर्ट करना चाहिए। छत के सपोर्ट के लिए सीमेंट कैप्सूल की जगह रेजिन कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राइवेज करने के समय लिथोलॉजी को लेकर यदि कोई भ्रम पैदा होता है तो उसकी जांच CMPDIL के बोरहोल डेटा से करना चाहिए या किसी दूसरे एजेंसी के द्वारा जांच करा लेना चाहिए।